ठीक है, किरेन रिजिजू हमारे कानून मंत्री हैं। और मैं कौन भी वाला बचा? क्वेश्चन। हाँ भाई वो बताते हैं। फिर इसके बाद रियांश, रियांश शेखर, शेखर तो नीचे कहाँ से कूद गए, प्रिंस शेखर फिर नीचे कूद गए, बहुत दुष्ट लोग हैं सब। जानते क्या करते हैं, ऊपर से लेफ्ट होकर नीचे आ जाएंगे तो नीचे इनकी बारी फिर से आ जाएगी। अरे दुष्ट प्रॉब्लम दुष्ट होते, उनको मालूम है। फिर तो उसके बाद अब तो हम ऊपर से पूछेंगे, तुम्हारा बारी सबसे लास्ट में आएगा। जाओ अमन कुमार, अमन बताइए। और कौन सा था, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मनसुख मंडाविया, हेल्थ मिनिस्टर मतलब स्वास्थ्य मंत्री। हाँ नेक्स्ट है सनी, आप बताओ। एनवायरमेंट मंत्री। मिनिस्टर, क्या एनवायरमेंट मिनिस्टर नहीं भूपेंद्र याद यादव? है, भूपेंद्र यादव। फिर शशांक की बारी, शशांक यस इस खेल मंत्री। अनुष्का की बारी, अनुष्का खेल मंत्री। अनुराग सिंह ठाकुर। श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ये भी नया बना है ना, इसलिए इसका नाम इम्पोर्टेंट है। लेबर लेबर मिनिस्टर को बताएगा क्या, बताओ। मैं बताऊं भूपेंद्र सर? यादव। भूपेंद्र पेट्रोलियम मिनिस्टर, यादव। पेट्रोलियम मिनिस्टर, हाँ सर, हरदीप सिंह पेट्रोलियम पुरी। मिनिस्टर हरदीप हरदीप सिंह सिंह पुरी। पुरी। हरदीप सिंह जल पुरी। शक्ति खबर, गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह ठीक है। और फिर डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। बता दिए थे, पूछ दिए थे कानून मंत्री रिजिजू, अनुष्का बताती। स्टील रामचंद्र प्रसाद मिनिस्टर सिंह। रामचंद्र सिंह श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र जी, रामचंद्र सोशल प्रसाद जस्टिस, सोशल जस्टिस। सिंह। वीरेंद्र डॉक्टर कुमार। वीरेंद्र वीरेंद्र कुमार सर। कुमार, वीरेंद्र कुमार। एमएसएमई मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, सर मिनिस्टर है। एमएसएमई। कोई बताएगा, ये मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, माइक्रो स्मॉल मीडियम नारायण एंटरप्राइजेस। तनुराने। नारायण तनुराने। टाटू राने, टाटू राने। कोल मिनिस्टर, प्रहलाद कोल एंड माइंस जोशी, मिनिस्टर। प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी। चल कल एक और होमवर्क दिए थे आप लोग को, चीफ उड़ान। जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एनवी रमन। एनवी कौन रमन। है, एनवी रमन। एनवी रमन। एनवी रमन। एनवी चीफ रमन सर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन। ठीक है, ये चीफ जस्टिस क्या बाबू, एनवी रमन वेंकट रमन, जब ये इसे बैन दोनों कर वही दो। है। चलो ठीक है, इसकी कहानी सुनो ना। तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, इसका जो पोस्ट होता है
वो प्रेसिडेंट के पोस्ट के बराबर होता है। यस सर। ठीक है, अगर कभी भारत के अंदर प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, और किसी की जरूरत है, प्रेसिडेंट की जरूरत है और प्रेसिडेंट भारत में नहीं है, तो उसकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो काम करेगा। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना हुआ, प्रेसिडेंट को जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, नॉमिनेट होता है, फिर इलेक्ट होता है, उसके बाद उसका जो ओथ सेरेमनी होता है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसमें प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होता है। बाकी सबको शपथ प्रेसिडेंट दिलाता है, बाकी जितना भी होगा प्रेसिडेंट से नीचे उसको प्रेसिडेंट शपथ दिलाएगा। पर प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और फिर ये अपना रिजाइन लेटर किसको देगा? ये अपना रिजाइन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देता है। वाइस प्रेसिडेंट इसको देता है, ये वाइस प्रेसिडेंट को देता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा तो प्रेसिडेंट को देगा। किसी को भी रिजाइन करना होगा तो वो किसको देगा? प्रेसिडेंट के पास अपना चिट्ठी देगा कि हमको अब काम करने का इच्छा। अरे दोनों को एक साथ नहीं करेगा ना, पहला काम, पहला अगर सपोज दैट प्रेसिडेंट को करना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को दे देगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट करना है तो प्रेसिडेंट को देगा जो पहले किया। अगर इन दोनों में नहीं हुआ तो सीजीआई भी तो अपने पास बैठा हुआ है, सब कोई भाग जाएगा तो देश कौन चलाएगा? इनकी सैलरी नियर अबाउट 2.5 लाख के, 2.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। Yes, इनकी 2.25 लाख होती है, प्रधानमंत्री की 2 लाख के आसपास होती है, और बाकी लोग की 2 से कम होती है। सर इतने कुछ मिलता भी तो है, गाड़ी घोड़ा घर। अरे ये सिर्फ सैलरी है, इसके बाद जो अलाउंसेस होते हैं वो इससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा मिलता है। हाँ, उनकी स्पेशल सिक्योरिटी, उनके आने जाने के लिए एक अलग से प्लेन, अलग से कार, और फिर इनके जहाँ जाते हैं अगर दिल्ली में कहीं घूम रहे हैं तो उसके साथ इनके घुड़सवार जो होते हैं वो किड़बिक किड़बिक करके आगे बढ़ते हैं, तो वो सब भी अलग से, वो सब एक्स्ट्रा में। ठीक है, खाना पीना रहना टेलीफोन दुनिया जहान सबका अलग, वो सब अलग जाएगा। ये इनके ये सैलरी रहती है, और ये सैलरी नॉन टैक्सेबल सैलरी होती है, इस पे कोई टैक्स उनको पे करना नहीं होता है, नहीं। बाकी सबको अपने सैलरी पे टैक्स पे करना होता है। ठीक है, राजा से ही टैक्स लोगे तो काम कैसे चलेगा? और भी मैंने एक बुरा नाम बताया था, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुशील चंद्र। सुशील कमीशन ऑफ इंडिया, सुशील चंद्र। यस सर, मैं कमेंट पढ़ा था, सब कोई सुशील पढ़ा था ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, मैंने नहीं खोजा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बोलो तो मैं खुश हूँ। अच्छा, वीडियो के लास्ट में ना हम लोग गूगल चलाएंगे तो उसमें देखेंगे, गूगल बाजी करेंगे हम लोग रोज ना, थोड़ा सा गूगल बाजी किया जाएगा, गूगल बाजी उसमें देखा जाएगा हम लोग रोज। 13 अप्रैल 2021 को बने हैं ना। सुशील चंद्रा मतलब जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? ये देश में कहीं भी चुनाव होता है तो उसकी जिम्मेदारी इनकी होती है, देश के अंदर कोई भी चुनाव होता है। और ठीक है, और जब चुनाव होता है तो अगर सपोज दैट कि आपके बिहार में चुनाव हो रहा है जो कि कुछ साल, एक आध सालों में होने वाला है, ठीक, तो उस समय उस पूरा गवर्नमेंट इसके पास चला आता है, पूरा गवर्नमेंट का हेड ये हो जाता है, ये जो चाहे वो करता है। ऐसा नहीं कि जो चाहे वो कर सकता है, और ये सबको परमिशन उस समय देता है। आपको ये कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया।
At present? Yes, sir. Yes, sir. Chief Election Commissioner of India. This is Sushil Chandra, beta. 24th Chief Election Commissioner of India. In 13 April 2021, Sri Chandra belonged to 980 batch Indian Revenue Service. In Sri Chandra has been elected Commissioner in ECI in 15th 2019. Take care, Sushil Chandra. इनको कौन अपॉइंट करता है? किसी को भी अपॉइंटमेंट का नाम आएगा तो उसको कौन अपॉइंट करेगा? प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सबको अपॉइंट करता है और सबको शपथ भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दिलाता है. बेटा जिसका ही मोबाइल खचखच कर रहा है बंद कर लो. अरे यार हमको गलत बता दिए. ये हमको मेरी जो डाटा ये अधूरा है. ये 5 लाख कर दो इसको. 2.5 लाख तो इसको मिलता है. ढाई लाख इसको मिल रहा है यार. उसको 5 लाख मिलेगा तब. वो 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 के आसपास चला जाएगा. ये 2.25 है ना. सॉरी ये 5 रुको बताते हैं. पीएम की सैलरी 5 लाख बताओ. खर्चा तो 1 रुपए का नहीं है. अच्छा इसकी सैलरी पीएम की सैलरी हम सही लिख रहे थे. पीएम की सैलरी 1.5 लाख के आसपास. 2 लाख 80 हजार. 2 लाख ऐसे कुछ. 2 लाख 80 हजार. ठीक है. तो सबसे ज्यादा उसकी होती है. प्रेसिडेंट की 5 लाख है. ठीक आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गया. अब हम लोग फिर अपना वो डांस वांस कल वाला जो किए थे वो देख लेते हैं. बताओ लावनी डांस कहाँ का है? महाराष्ट्र. लावनी फोक डांस महाराष्ट्र. वेरी गुड. कौन सा है यार? कथकली केरला. कथा इन केरला. ठीक है. कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की पुड़ी. ठीक. भरतनाट्यम तमिलनाडु. लाइन से पूछे तुम्हारे लिए. लाइन से पूछिए. एग्जाम में तुमसे लाइन से पूछेगा. नो सर. रऊफ. रऊफ कहाँ का? जम्मू कश्मीर. और नौटंकी उत्तर प्रदेश. नौटंकी वाले उत्तर प्रदेश वाले होते हैं. रासलीला उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश. कठपुतली राजस्थान. मेनली राजस्थान का ही होता. बिहार में भी दिया हुआ था पर राजस्थान का होता है. राजस्थान का घूमर भी है बेटा. बिहू असम. गिद्दा. डांडिया गुजरात. ठीक है. महाराष्ट्र का वो ना लावनी करके एक डांस है. सर डांडिया भी दिया है. वो एक्चुअली जो महाराष्ट्र है वो अपने गुजरात से सटा हुआ है इसके वजह से ऐसा बोला जाता है. पर जो डांडिया अगर कभी भी किसी को डांडिया का नाम बोलोगे तो वो आपको महाराष्ट्र का नाम ही देगा. सॉरी गुजरात का नाम देगा. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ टेंपल के नाम देखे थे. यस सर. बृहदेश्वर टेम्पल. तंजौर. रंगनाथम टेम्पल.
रंगनाथम श्रीरंगम में बाबू मीनाक्षी टेम्पल मदुराई सन टेम्पल कोणार्क कोणार्क अक्षरधाम अक्षरधाम गांधीनगर दिल्ली न्यू दिल्ली गांधीनगर कहाँ से आ गया दोनों लिंगराज उड़ीसा 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 भुवनेश्वर महाबोधि टेंपल बोध गया मंजुनाथ मंजुनाथ मैंगलोर वेरी गुड ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे है ब्रह्मा जी का इलामपुर जी कहाँ पे है ब्रह्मा टेंपल इसमें दिया नहीं है पहले बोला था पुष्कर राजस्थान ठीक है और कुछ में और कुछ नाम बता दूं तुम लोग को इसमें नाम कुछ कम दिया हुआ है फेमस लोटस टेंपल हाँ एक लोटस टेंपल है कहाँ पे है दिल्ली में वेरी गुड सारनाथ टेंपल सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी सोमनाथ टेंपल सोमनाथ गुजरात सोमनाथ गुजरात केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड रुद्रप्रयाग उत्तराखंड सांची स्तूप भोपाल मध्य प्रदेश सांची मध्य प्रदेश ठीक है ये सब याद कर लीजिएगा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उसमें आप लोग को ये सब आ जाएगी फिर से सुन लेना रामेश्वरम टेम्पल तमिलनाडु रामेश्वरम तमिलनाडु वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब जगन्नाथ टेम्पल पुरी जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा अमरनाथ केव अमरनाथ औरंगाबाद जम्मू कश्मीर एक्चुअली में ये बॉर्डर पड़ता है इंडिया पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर पे है ठीक है तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश तिरुमला आंध्र प्रदेश कांचीपुरम क्या कांचीपुरम टेम्पल कांचीपुरम तमिलनाडु खजुराहो मध्य प्रदेश पद्मनाभ स्वामी टेम्पल क्या सर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल नाम सुना है पद्मनाभ स्वामी ये बहुत फेमस है नहीं
इसके बारे में बताता हूँ, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है एक्चुअली में ये जो है वो त्रिवेंद्रम में है, त्रिवेंद्रम केरला, केरला में त्रिवेंद्रम त्रिवेंद्रम केरला। पद्मनाभ स्वामी में विष्णु भगवान का सोया हुआ मूर्ति है, ठीक है, एक कितना अरे उसमें विष्णु भगवान का सोया हुआ मूर्ति है, ठीक, ये एक मूर्ति है जो सोया हुआ है, बाकी सब जगह हुआ मूर्ति है, ठीक। फिर उसके बाद इस मंदिर में, अच्छा सुनो पहले हमारा बात, इस मंदिर में तहखाने हैं, तहखाना मतलब मंदिर के अंदर ग्राउंड में कुछ रूम्स हैं, ठीक है, उसमें से 3-4 रूम्स को एक बार खोला गया, ठीक, और उसमें से इतना सोना निकला, इतना सोना निकला कि कहने को नहीं। सर इतना सोना निकला, हाँ बेटा बेटा सर वो अंग्रेज सर एक राजा के महल पे आक्रमण किए थे तो वो राजा सर अपना सब कुछ सोना मिले कुछ ऐसा ही कुछ, तो इनके बेसमेंट में इतना सोना मिला कहने को। अभी से 3-4 दरवाजा खुला, बाकी दरवाजा खुलने का परमिशन नहीं आ पाया, इसलिए बाकी दरवाजा नहीं खुल पाया। सर इसमें से ए और बी और सी दरवाजा अभी तक खुला है। सर उससे सिर्फ एक दरवाजे खुले हैं। ठीक बेटा, कामाख्या टेम्पल, कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी असम, गुवाहाटी असम, ठीक, तो इतना ये हो गया। और क्या लगा क्या लगा बता, मेरा काम अच्छा बना रहा है। कल वाला देख ले, कल वाले में कहाँ गया, क्या बचा हुआ है कल वाले में, प्राइम मिनिस्टर वाला है, हाँ उसको भी देखना पड़ेगा ना। ये वाला तो हम लोग प्लेस देख ही लिए थे, इसमें कुछ इम्प्रूव भी कर दिए। हाँ ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ याद करेंगे, सबसे पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमेशा ये पूछता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होंगे, तो राजेंद्र प्रसाद होंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के नाम पे हम लोग क्या मनाते हैं, टीचर्स डे, टीचर्स डे इन्हीं के नाम पे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट है, और ये ना वाइस प्रेसिडेंट कौन, तो वाइस प्रेसिडेंट भी थे और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट पे प्रमोट भी हुए थे, बाकी ऐसा कोई नहीं था, कोई एक ही था, और फिर उसके बाद बाकी लोग का नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, सीधा करेंगे सीधा फिर इसको ये लास्ट वाला पूछ सकता है, लास्ट वाले चाचा का नाम क्या है, तो रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, उससे पहले प्रणब मुखर्जी थे, और ये पूछ सकता है आपको फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एक प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमन थी जो इंडिया में प्रेसिडेंट बनी थी, उससे पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं बना था कोई लेडी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं जवाहरलाल नेहरू पहले नंबर पे, आप लोग 1974 तक थे, कह रहे हैं कि आप लोग से सन नहीं पूछेगा, सन बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है, उसको पता है कि आप 6 का एग्जाम ले रहे हैं, आईएएस का एग्जाम थोड़ा ले रहे हैं, ठीक। फिर इस वजह से ये सेकंड वाले गुलजारी लाल नंदा और थर्ड वाले लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री बनारस के थे, ठीक है। तो फाइव वाला भी पूछ सकते हैं, हाँ फाइव वाला पूछ सकता है, बिकॉज़ ये लेडी,
इंडियन लेडी थी, फर्स्ट इंडियन लेडी बिकम प्राइम मिनिस्टर इज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अभी का प्रेसिडेंट कौन पूछेगा तो नरेंद्र मोदी, ठीक है। उससे पहले पूछ सकता है तो मनमोहन सिंह पूछ सकता है, उसके पहले मनमोहन सिंह दो बार बने थे, नरेंद्र मोदी भी दो बार बने, अटल बिहारी भी दो बार बने हैं, अटल बिहारी अटल बिहारी। और जानते हो यहाँ पे तो कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी नेता जो है कितने बार भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा कोई नाटक नहीं है, ठीक है। पर यूएसए का रूल है, यूएसए मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। यूएसए का रूल है कोई भी प्रेसिडेंट सिर्फ दो ही बार बन सकता है, उसके बाद वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगा। वहाँ का रूल है, जो बराक ओबामा थे वो दो बार कंटिन्यू बने प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और उसके बाद फिर क्या किए, फिर वो छोड़ दिए, अब फिर वो किसी अब रेस्टोरेंट में काम करते हैं, पब्लिक वर्क करते हैं और रेस्टोरेंट में अपना अपना खर्चा चलाने के लिए रेस्टोरेंट में काम करते हैं। यहाँ पे कोई विधायक भी हो जाता तो इतना कमा लेता है कि आजीवन खाता रहेगा, और वहाँ पे प्रेसिडेंट होने के बाद वो रेस्टोरेंट में और छोटे छोटे जगह काम करते हैं वो लोग। बुद्धि देखो, बुद्धि काम अपना, काम अपना होता है ना। बरोड़ा सर आप भदोही, कहाँ गए, कहाँ भदोही, नाम सुने हैं, गए नहीं, हाँ गए बताओ। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ दो तरीके की क्रॉप्स होती है, एक खरीफ क्रॉप होती है और एक रबी क्रॉप होती है। तो आपको ठीक है, रावी या रबी जो भी बोलते हैं, दोनों नाम प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे हमको इसका एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, खरीफ राइस, ज्वार, माइस, कॉटन, ग्राउंडनट एंड जूट, टोबैको, क्या मेज, टोबैको, शुगर कैन, शुगर कैन, बाजरा, पल्स, ग्रीन वेजिटेबल, ग्राउंड, लेडी फिंगर, ये सब क्या है, ये सब समर के सीजन, आप ऐसे भी आ सकते हो, समर, समर मतलब खरीफ, ये सब समर के हैं, समर में ये सब उगते हैं। फिर ये जो रबी होता है वो विंटर का होता है, विंटर में क्या क्या है, सो इन अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है, दिस क्रॉप इज सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर और हार्वेस्ट इन अप्रैल, ये जाड़े में बोए जाते हैं। इसमें से कौन कौन से हैं, वीट, बर्ली, ग्राम, पी, लाइन सीड, मस्टर्ड, रेप शीट, धनिया, जीरा, वेजिटेबल, तो समर वाले में ये समर में बोए जाते हैं, खरीफ जो है वो समर में और रबी जो है विंटर में, ठीक। ऐसे 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 याद कर सकते हैं, रबी को विंटर में जाड़ा लग गया, जैसे हमको रवि रवि या विंटर याद रहेगा और दूसरा जो खरीफ जो होगा वो समर का हो जाएगा। खाली दोनों में से हमेशा किसी एक को याद रखना होता है, एक अगर आप याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, क्रॉप दो ही, इंडिया में क्रॉप दो ही तरह के होते हैं, रवि एंड खरीफ। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, कौन सा क्रॉप है और किस राज्य में ज्यादा उगता है, ठीक है, कौन सा क्रॉप किस राज्य में, किस स्टेट में ज्यादा उगता है। तो राइस सबसे ज्यादा बांग्लादेश में उगता है, सॉरी वेस्ट बंगाल में उगता है, बंगाल, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। हमको टॉप थ्री नाम याद रखने बस, राइस कहाँ, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बाकी भी सब जगह होता है, अपने उत्तर प्रदेश में भी होता है। वीट की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी में, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में, सबसे ज्यादा यूपी में, फिर पंजाब में, सब और फिर उसके बाद हरियाणा में। ये प्रोडक्शन के हिसाब से कौन कितना प्रोड्यूस करता है, और सबसे अच्छी क्वालिटी का देखो तो उल्टा, सबसे कम नहीं पूछता है,
सबसे कम में तो कोई भी तुम डाल सकती हो, जम्मू कश्मीर डाल दो वहाँ कुछ नहीं उगेगा जाड़ा में। सर धान में तो छत्तीसगढ़ आता है ना? नहीं, वेस्ट बंगाल है। yes? तो अब और इसमें वीट में जो सबसे अच्छी क्वालिटी का बोलोगे तो हरियाणा का पहला नंबर हो जाएगा। ठीक, सबसे अच्छा क्वालिटी हरियाणा वाले उगाते हैं, पर सबसे ज्यादा कौन उगाता है? यूपी वाले उगाते हैं। ठीक, बाजरा जो है सबसे ज्यादा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। क्या बेटा? महाराष्ट्र। नहीं, कुछ अनुष्का आप कुछ बोल रही, समझ नहीं आ रहा। नहीं, ये सब प्रोडक्शन के लाइन। हाँ, सब प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसिंग एरिया देखो, नहीं लिखा प्रोडक्शन एरिया। ठीक, फिर उसके बाद ज्वार का देखते हैं, तो ज्वार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश। मिल्स पंजाब, राजस्थान। माइज जो है कर्नाटक। पल्स एमपी में सबसे ज्यादा पल्स उगता है। दाल सबसे ज्यादा पल्स फिर यूपी में है, फिर पंजाब में है। माइज में कर्नाटक, यूपी है, बिहार है। क्या बेटा? सबका तीन तीन याद कर लेना, तीन नाम याद करना। हाँ, सुगर केन में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। जनरली पहला ही पूछेगा आपसे, जैसे मैंने पहला भी डिस्कस हम लोग किए थे बहुत पहले भी, कि हमेशा हम लोग से पूछता है कि चंद्रमा पहला कदम किसने रखा। अगर उसी को हार्ड करना होगा तो बोलेगा तीसरा कदम किसने रखा। तब क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिक्स के एग्जाम में है तो हम लोग से 99% चांस है कि हमसे पहला नाम ही पूछेगा। ठीक, सुगर केन सबसे ज्यादा सुगर केन कहाँ प्रोड्यूस होता है? यूपी में। सबसे ज्यादा पल्स कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो एमपी में। सबसे ज्यादा माइस कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो कर्नाटक में। मिल्स कहाँ होता है? पंजाब में। ज्वार कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में। पर अपने नॉलेज को थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए मैं दो या तीन नाम तुमको रिकमेंड कर रहा हूँ कि दो या तीन आप याद रखो। अभी से याद रखोगे तो फिर इन फ्यूचर और भी कोई एग्जाम दोगे तो फिर उसमें तुमको खाली बार रिविजन करना रहेगा। ठीक है, ऑयल सीड सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, गुजरात, महाराष्ट्र। कॉटन में सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र। जूट में भी वेस्ट बंगाल, बिहार। टोबैको आंध्र प्रदेश में। बंगाल में क्या बेटा? अरे तंबाकू, जो पिताजी लोग ऐसे हाथ में रगड़ के फिर मुंह में दबा लेते हैं, चूना के साथ रगड़ के, या फिर किसी बूढ़े लोग को देखे होंगे। बीड़ी जो बीड़ी 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 या सिगरेट उसके अंदर ही भर के लोग पीते हैं, और थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाता है ना। अब ऐसे हाथ में रगड़ खाएंगे नहीं अच्छा लगेगा, उसको सिगरेट के अंदर भर के उसको थोड़ा जला के ऐसे हवा में धुआं उड़ा के, इसे जो बच्चे लोग भी जाड़ा में करते हैं तो उसमें तंबाकू नहीं रहता है, उसमें नेचुरल वो रहता है, धुआं रहता है। समझ गए? और समझाएं? फोटो भी दिखाएं? जो बिहार वाले होंगे, बिहार वाले में तंबाकू का पूरा पूरा पत्ता, इतना बड़ा बड़ा पत्ता देखो रेलवे स्टेशन के पास बिकता रहता है सुखा के। कोकोनट में सबसे ज्यादा केरला, आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद है रबड़ में केरला है, और स्पाइसेस में पेपर का नाम दिया हुआ है जो कि केरला है। पेपर मतलब कागज, काली मिर्च। ये पेपर मतलब काली मिर्च। ये इस पेपर का मतलब काली मिर्च। ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर पढ़ते हो ना, डालते हैं ना ब्लैक पेपर को चाट में डालते हैं और उसमें सब्जी वब्जी में डालते हैं ब्लैक पेपर पाउडर। पेपर नहीं, पेपर। पेपर। अब यहाँ पे जो भी लिखा है भैया समझ लो, काला मिर्च को ब्लैक पेपर कहते हैं, पेपर बोला जाता है।
ये सब गरीब बच्चे क्या जानेंगे। चल जानते हो जो अपना ब्लैक पेपर है उसको जब ये वास्को डी गामा आया था तो वो आया था तो वहाँ कालीकट के तट पे आया था केरला में, तो वहाँ देखा था प्रोडक्शन हो रहा है ये क्या होता है, फिर उसको खा हुआ के देखा उसको बड़ा टेस्टी लगा। तो फिर ना उस समय जो ट्रेड होते थे, ट्रेड मतलब एक देश से सामान दूसरे देश जो आता या जाता था, सपोज दैट अमेरिका में कुछ कोई चीज उगता है ठीक, तो वहाँ पे मान लो कोई अच्छा कोई सोना ही उग रहा है ठीक है, सोना को प्रोडक्ट कर रहा था, तो सोना वहां से उठा के लाके इंडिया में दे रहे थे और उतने वैल्यू का काला मिर्च उठा के ले जाते थे अमेरिका में, इतना कॉस्टली उस समय काली मिर्च होता था। अभी तो इसकी वैल्यू गिर गई है, अभी सबसे ज्यादा जो कॉस्टली स्पाइसेस में आता है एक केसर आता है और दूसरा इलायची आता है, दालचीनी नहीं, दालचीनी इतना कॉस्टली नहीं, कॉस्टली में केसर और इलायची है, ये दोनों कॉस्टली है। एक किलो लेने के लिए आपको 5 लाख देना पड़ेगा नियर अबाउट ऐसे कुछ। हमारे यहाँ काढ़ा बना रहता है रोज दालचीनी सबका मसाला से। बताओ कितना अमीर आदमी है ये। सर चिलगोजर भी है। चिलगोजर है? चिलगोजर क्या होता है? चिलगोजर क्या होता है जी? सर सनोवर होता है। सर सर्च करके देख लीजिए चिलगोजर। अभी हम खोलते हैं गूगल, उसमें क्या करना है, हमारे पास गूगल है ही। रुको एक मिनट खोलते हैं। रुको बीएचयू देखे हैं मतलब अच्छा आगे बताओ क्या करना है, काम बताओ काम। कोई काम नहीं, अरे घूमना फिरना नहीं होता अपना यार, अपना टाइम टेबल बहुत सेट है, हम ज्यादा घर से नहीं निकलते हैं। चलो ये वाला काम हो गया, तो आप लोग को जितना भी आज मैंने पढ़ाया वो सब आपको लर्न करना है और पुराना रिवीजन करना है, और दूसरा थोड़ा सा गूगलबाजी कर ले, फिर एक दो क्वेश्चन आया है वो सॉल्व कर दे, फिर बस खत्म। हाँ तो गूगलबाजी में हम लोग पहला करेंगे चिलगोजर। चिलगोजर नहीं, चिलगोजर। हाँ क्या होता है आपका आवाज आप चिलगोजा स्पेलिंग सही है? यस सर। हम नहीं सुने इसलिए तुम देख रहे हैं देखे। अच्छा ये होता है, पता नहीं क्या होता है, पाइन नट। ये इसको पाइन नट नाम दिया, पाइन मतलब होता है ताड़, चिलगोजा मतलब पाइन मतलब होता है, सुनो पाइन मतलब ताड़ या वो पाइन एप्पल वाला पाइन, ये पाइन एप्पल वाला पाइन है, यहाँ पाइन एप्पल ही है। अच्छा बेटा चलो थैंक यू बेटा, कुछ अच्छी जानकारी तुम दिए यार। चिलगोजा हेल्थ बेनिफिट, रिच सोर्स ऑफ जिंक, रिच ऑफ आयरन, रिच ऑफ एनर्जी, प्रिवेंट बिंगिंग, स्किन हेल्थ, रिच ऑफ मैग्नीशियम, प्रिवेंट डायबिटीज, गुड फॉर हेल्थ, प्रिवेंट वायरस अटैक एंड प्रिवेंट कैंसर आल्सो। वाह वाह बहुत अच्छा। और क्या हम लोग गूगल बाजी करना था, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो तो मैंने देख लिया था, आगे बोलो। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस तुम लोग देख लिया था और वो देख लिया था। चलो ये वाला हो गया, और भी हम लोग एक दो क्वेश्चन आया मेरे पास वो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उससे मैथ का प्रैक्टिस थोड़ा सा हो जाएगा।
Stop sharing file, whiteboard. तुम लोग टेस्ट जो टेस्ट वाले हैं वो टेस्ट क्यों नहीं देते हैं अनुष्का, आप टेस्ट क्यों नहीं देती हो? हम इस पे जब सेवी नहीं होता तो हम कैसे मानेंगे कब टेस्ट देते हो? जिस दिन हम टेस्ट नहीं देते, जिस दिन हम टेस्ट नहीं डालते उस दिन मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, सर टेस्ट, और जिस दिन टेस्ट डालते हैं कोई रिप्लाई नहीं। पर उसमें तुम सेव विद इन टाइम तुमको देना है, टाइम के बाद सेव करोगे ना सेव नहीं होगा। चलो हम तुमको स्क्रीनशॉट दे देंगे। अच्छा क्वेश्चन देखो पहले, चलो अल्लाह नहीं नो अल्लाह। तुम लोग का टेस्ट लेंगे यार, खत्म होने सब्जेक्ट खत्म होने, तुमने एक साथ हम लोग 500 क्वेश्चन लगाएंगे। खत्म तो होने दो चैप्टर, अब साइंस वाले में भूल गए, नहीं तो साइंस वाले शुरू करते, अब सोशल खत्म हो जाएगा तो फिर साइंस और सोशल दोनों का करेंगे। क्वेश्चन है टू, अरे यार कैसे लिख रहा है, सब कोई कॉपी ले लो, शुरू हो जाओ। 2a = 3b, 4b = 5c, then a ratio c =, ये इक्वल टू नहीं है एक्चुअली, यार रेशियो होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं इक्वल भी डाल सकते हो। तो ए रेशियो सी की वैल्यू बतानी है, कौन बताएगा कि मैं बताऊं? बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पे बी रख लेते हैं, ये नीचे कर देते हैं 2/3a, यहाँ भी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं 5/4c, देखो यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, सब बी इक्वल हो गया। 2/3a = b = 5/4c। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो कभी भी, सॉरी हमारा जो रेशियो होता है, ये रेशियो क्वेश्चन है, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इसको फ्रैक्शन को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहले ना इसको ऐसे भी नहीं करते हैं, इसको और अच्छे आप लोग को समझने के लिए इसको इक्वल टू प्रियांशु का पी ले लेते हैं। 2a = 2/3a = b/1 = 5/4c = p। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 3/2p, b की वैल्यू निकालेंगे तो p, और c की वैल्यू निकालेंगे तो 4p/5। अब a b और c का रेशियो निकालना है, पहले हम a b और तीनों का निकाल लेते हैं, तीनों में से जो बताना हो बता देना आप। ठीक, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 3/2, 1 और 4/5, पी का काम खत्म, पी को छोड़ देंगे। एलसीएम लेंगे 10, तो 10 लेंगे तो सबका डिनोमिनेटर 10 बनाना है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 10 बनाना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 बनाना है 10 बनाना है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 15/10, 10 1 10/10, और 4 2 8/10। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो ये पहला वाली ए की वैल्यू होगी और आखिरी वाली सी की वैल्यू होगी, यहाँ रख देंगे 15:8। ठीक, एक तो ऐसे कर सकते हैं, एक और तरीका बताते हैं, अगर यही क्वेश्चन आएगा तब के लिए, दूसरा क्वेश्चन के लिए पता नहीं। ये भी बी की वैल्यू है, ये भी बी की वैल्यू है, दोनों इक्वल है तो दोनों को, इन्हीं दोनों को इक्वल कर लो 5/4c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 4 2 8, 5 3 15। ठीक, 8a 15c, तो a/c = 15/8। ये जो वैल्यू, ये इसकी वैल्यू होती है और ये इसकी वैल्यू होती है, अपोजिट वैल्यू होती है। ठीक, जो 15 और 8 आ गया ना, तो जिसमें आपको समझ में आए वैसे लगा लीजिए। क्लियर है सबको? यस सर।
लालू पीलू सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे लालू पीलू। नेक्स्ट है 15% ऑफ ए इक्वल टू 20% ऑफ बी, ए रेशियो कौन खाना बना रहा है? ऑनलाइन क्लास आते हैं तो मेरा 6:30 बजे से 7:30 बजे तक आता है, तो मैं इसी पे आता है, तो मैं यही करूंगा। अच्छा ठीक है, तुम यहीं पे करना। किससे बात कर रहे हो शिवांश? सर किसी से नहीं, सब बोल किसी से बोल लो, किसी से बोल लो कि मेरी ऑनलाइन क्लास 6:30 से 7:30 इसी पे आता है, मैं इसी पे करूंगा। पगलू माइक बंद करके बात किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू ये वाली होगी, ए की वैल्यू ये वाली होगी, तो ए बाई बी इक्वल टू 20% अपॉन 15%, परसेंट से परसेंट बाग कटे हो जाएगा, परसेंट से परसेंट बाग कटे, जीरो से जीरो नहीं, जो नहीं, 5 4 5 4 5 3 5 3 जा, तो 4:3 हो जाएगा। एक एक आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए इक्वल टू 1/3b, अब बी इक्वल टू 1/2c, तो ए बी सी का रेशियो बताना है। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग ने सॉल्व किया, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, नहीं कहाँ पुट करेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग है। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/1a, क्लियर है। अब ए बी सी रख देंगे, ए सॉरी 3a इक्वल टू बी और बी इक्वल टू 1/2c, ठीक है। और फिर इक्वल टू वापस p मान लेंगे, a इक्वल टू 1/3p, b इक्वल टू 1p और c इक्वल टू 2p, क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोग को रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3, 1 और 2, सबका डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 3 बनाना है एलसीएम लेने के बाद। तो 3 के लिए ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो पहले से 3 है, तो 1:3 बन जा 3, 3 2 जा 6, करने के बाद हम लोग डिनोमिनेटर क्या करते हैं। अरे यू आर ग्रेट, यू आर सुपर स्टार, ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ गया। लालू पीलू, चलो तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, बाकी कल मिलेंगे। कल संडे है, संडे को क्लास होगा, अगर लेंगे तो शाम को हम नोटिस डाल देंगे, तो आना बताओ, सुना दो, सुना दो नहीं सर मैं चीटिंग नहीं करता हूँ। चलो ठीक है भैया, तुमको जैसा मन करे वैसा करना, हम क्यों बोलेंगे तुम गलत करो या सही करो, तुम अब खाई टेस्ट दो बस, हम यही कहेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, क्या बेटा मिक्स टेस्ट दीजिएगा कल, मेरे सबको पता चल जाता है कौन सा टेस्ट है। हाँ वही वही, हम वही अभी वही विचार बना रहे थे, और जो तुम ये कह रहे थे ना तुम्हारा, तुम टेस्ट देती है, देखो हम तुमको दिखाते हैं तुम्हारा टेस्ट, टेस्ट सीरीज कल भी यूट्यूब पे डालिएगा ना। हाँ बेटा कल यूट्यूब पे डालेंगे टेस्ट, ये देखो तुम टेस्ट, ये कल इंग्लिश का टेस्ट था ना 9 तारीख को। यस सर, अवार्ड कैसे दिया जाता है, जब वीडियो खत्म होता है ना उसके बाद, वीडियो खत्म होता है उसके बाद कभी कभी ऑप्शन आता है, देखो कोई सबमिशन नहीं है, उसके पहले वाला देख लो बेटा, तुम ही देख लो, हम ये सोशल का देख लो, व्यू सबमिशन फिर उसका हिंदी वाले में कौन है, देखो अपन 4 फुटेज में से 1 फुटेज दी है, कर देखो जिस दिन हम, और जिस दिन हम नहीं टेस्ट डालेंगे उस दिन देखो इतना हल्ला आता है, देखो ये भी टेस्ट नहीं है,
हिंदी मैथ मैथ देखो तुम टाइम के अंदर सबमिट करोगी तभी सबमिट होगा नहीं तो सबमिट नहीं होगा। देखो इंग्लिश वाला देखिए आप फिर इसके बाद साइंस वाला ये भी दिया था तुमने साइंस के बाद ये मैथ हाँ यार खाली ऑप्शन तो मारना है ये देखो दो लोग दिए थे तो ऐसे ऐसे तो रोज दिया और देने के बाद ना इसका आंसर को चेक किया करो कि और जो गलत है उसको एनालिसिस किया करो उससे तुम्हारा और अच्छा होगा ठीक है। हाँ यार जो नहीं आता मैम पूछा करो मैम इसीलिए तो है ठीक मैम की क्लास हो रही है क्या मैम की क्लास ये रिकॉर्डिंग लेक्चर है 9 तारीख को कल क्लास हुई थी 8 को भी हुई थी 7 को भी हुई थी फिर उनका 29 को हुई थी 28 को हुई थी चलो बढ़िया ठीक तुमका नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है अब उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते बेटा नेटवर्क कभी कभी हमारा भी खराब रहता है या तुम लोग का भी खराब रहता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं बेचारी श्रेया कहाँ गई पता नहीं आती कि नहीं आती है श्रेया तुम आती बेटा श्रेया कहाँ आ रही है बताओ जो उसका नेटवर्क नहीं आता तो वो पेड़ पे बैठ के पेपर देती थी टेस्ट पर पढ़ाई करती थी नानी घर गई है ना सर नानी घर गई है तुमको फोन की थी क्या आई हमको फोन कर ली सर तब कैसे तुमको पता चला बताओ पर्सनल तुमको बताई थी चलो ठीक है कल मिलते हैं बाय बाय सब रिकॉर्डिंग हो रहा है हम लोग की बातें